हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड टू डू इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू ऐड डिलीट एंड क्लियर ऑल फंक्शनैलिटी इन आवर टू डू एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम वाला है एंड अभी तक हमने बहुत कुछ देख चुका है जिसको आई I मीन mean, जो अगर आपने खुद से किया तो आपको बहुत प्राउड फील हो ही रहा होगा एंड सच में मुझे भी हो रहा है राइट सो लेट्स से वी हैव दिस एप्पल ऑरेंज मैंगो है ना तो सबसे पहली बात तो अभी तक यहाँ पे एक वो क्लियर ऑल का बटन नहीं है बट डोंट वरी हेर वी हैव अ क्लियर ऑल का बटन तो डैट्स वाई मैंने एक जानवच के रखा है पहले से ही यहाँ पर आप लोगों के लिए तो आज हमें दो चीज़ देखना है पहले तो इतने सारे लिस्ट में अगर मैं मैंगो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं कैसे उसको डिलीट कर सकता इनसे मुझे डिलीट नहीं करना है बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक एज इट इज रहना चाहिए एंड वो ऑन द स्पॉट डिलीट होके मेरे ये जो कंपोनेंट है उसको अपडेट करना चाहिए मतलब मैं डिलीट करूँ फिर से रिफ्रेश करने के बाद अपडेट हो ऐसा नहीं मैं द मोमेंट डिलीट करूँ फट से वो चला गया फट से वो क्या हुआ चला गया एंड वी हैव दिस क्लियर ऑल का बटन चाहे डेटा जितना भी हो यहाँ पे डजन मैटर जितना भी डेटा हो ठीक है अपने को मतलब नहीं है मैं क्लियर ऑल पर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस से वो क्लियर हो जाएगा तो ये जो दो फंक्शनैलिटी है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड हम इसको कैसे कर सकते हैं वो आ, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन सेकेंड गाइस इफ यू फील सुपर कॉन्फिडेंट कि यार ये तो बहुत ईजी है मैं तो यूं चुटकी में कर लूंगा देन गाइस मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कर पाओगे तो राइट right? तो प्लीज आप खुद से वीडियो को अभी कीजिए पॉज एंड ट्राई इट योर सेल्फ एटलीस्ट कोशिश कीजिए एंड जो बिगिनर्स है प्लीज आप भी पॉज कीजिए थोड़ा सा सोचिए कि ओके okay, इस डिलीट बटन को अगर मैं क्लिक करूं तो ऐसा क्या कोड में लिख दूं जिससे मेरे इस पर्टिकुलर एरे में से वो एक एलिमेंट डिलीट हो जाए देखो अभी आपको यहां पे इसको इस तरीके से लेना है कि ये भले ही देखने में एक एलिमेंट एक लिस्ट लग रही हो बट इन रियलिटी बट इन रियलिटी अगर मैं कंपोनेंट्स टू डू पे आपको लेके जाता हूँ सो हेयर वी हैव मल्टीपल स्टेट एंड हेयर वी हैव दिस एरे पार्ट इतने जो हुक्स वाले पार्ट में ये जो आपको एक एरे दिख रहा है भले ही जो भी हो ये है तो एक एरे अब आप इसको एक जावस्क्रिप्ट समझिए कि जावस्क्रिप्ट में अगर आपके पास एक एरे ऑफ सेट एक एरे होता विथ लेट्स ए हैविंग फाइव एलिमेंट्स तो उसमें से अगर मैं बोलता किसी एक को आप डिलीट कीजिए एंड मैं बोलता कि किसको आपको डिलीट करना है तो आप कौन से मेथड्स का यूज करते एंड कैसे आप उसको डिलीट करते राइट right? तो वही तो है यहाँ पे मतलब आपको इस तरीके से कनेक्शन बिठाना है कि ओके okay, जावस्किट मुझे आता है रिएक्ट में कोई ऐसा अपना खुद का तो कुछ है नहीं हुक्स है एंड थोड़े बहुत इधर उधर है है तो पूरा जाओ स्क्रिप्टी तो वो अब आप आपको यहाँ पे यूज़ करना है ठीक है सो ऑलरेडी पार्ट थ्री का भी सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है क्या है या uh, yeah, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इंप्लीमेंटेड डिलीट बटन क्लियर ऑल बटन कैसे करना अपडेट द स्टेट एंड रीड एंडर द लिस्ट आफ्टर डिलीशन ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये मेक श्योर sure करना है आपको ऑल right, तो देखिए तो सबसे पहले लेट्स टैकल आवर डिलीट फंक्शनैलिटी राइट लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा क्योंकि आगे और ऑसम वीडियोस आने वाला है एंड आपका एक सब्सक्राइब आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप मोटिवेट कर सकते हो यार मतलब देखो कितना ईजी आज के टाइम में मोटिवेट करना है किसी को है ना राइट सो right. so, हमें डिलीट बटन यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है सो हेर वी हैव दिस डिलीट बटन मैं इस डिलीट बटन को जब करूँगा क्लिक तो मुझे एक इवेंट फायर करना है सो जब मैं इसको करूँगा क्लिक तो ये तो गाइस नॉर्मल है है ना एंड यहाँ पे जब मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ लेट्स से हैंडल हैंडल डिलीट टू डू हैंडल टू डू डिलीट या हैंडल डिलीट टू डू कुछ भी लिख दीजिए इट जस्ट अपने ऊपर है एंड uh, इसको कॉपी करना है अभी आप तक आपने डिफाइन नहीं किया डेट्स वाई आपको कुछ वैसा दिख रहा है फंक्शन इस तरीके से लिख के रख दीजिए ताकि हमें पता चले कब हम इसका यूज कर रहे हैं कॉन्स्ट इस तरीके से ठीक है अब हमारे पास एरे तो है हमें ये तो बहुत क्लियरली मालूम है ये जो मेरा टास्क है वो एक एरे है एंड उस एरे के अंदर का हमारा सारा डेटा हमारे पास है है ना सो कंसोल डॉट लॉग ये जो टास्क है मैं आपको ये दिखाता हूँ ठीक है मतलब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ये जो टास्क है वो मुझे कंसोल होके मिल जाएगा तो फिलहाल मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ uh, मैं यहाँ पे एप्पल एंड देन मैंगो एंड देन डिलीट लिख रहा हूँ फिर मैं भी ऑरेंज ठीक है अब ध्यान से देखना इन तीनों में से किसी एक को भी मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारा टास्क स्टेट वेरिएबल है उसको मैं कॉल करने वाला हूँ एंड दिस इज इट देखो मतलब वो कॉल मेरा काम कर रहा है हेयर वी हैव दिस एप्पल मैंगो एंड देन ऑरेंज तो कितना ईजी हो गया ना हमारे लिए तो अब बस मुझे क्या चाहिए मुझे यही चाहिए ना कि एरे तो मेरे पास ऑलरेडी है अब यूजर ने इतने सारे आई I मीन mean, इन तीनों में से किसको क्लिक किया वो मुझे कैसे पता चलेगा एंड अगर पता चल गया तो इस एरे में से मैं उसको कैसे डिलीट करूँ उसके लिए कोई मेथड है क्या वो मुझे सोचना है ठीक है तो सबसे पहले यूज़र ने किसको क्लिक किया वो कैसे पता चलेगा बताओ कैसे पता चलेगा ठीक है मैं बताता हूँ देखिए ये है हैंडल डिलीट टू डू यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो बटन हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे एल के अंदर है लाइक ऑब्वियसली एल के अंदर है एंड वो जो हमारा एल है वो हमारे टास्क जो एरे है उसके अंदर हमने लूप चलाया तो वो उसके अंदर है एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हर एक एल का अपना खुद का एक आ, करेंट टास्क बेसिकली उसकी वैल्यू उसमें एक चेक वाली बटन उसमें एक डिलीट वाली बटन एंड बहुत क्लियर है कि ये जो मेरा करंट टास्क है इसमें वो वैल्यू है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि यूज़र ने किसको क्लिक किया क्योंकि यूज़र जिसको भी क्लिक करेगा मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा अब यहाँ पे अगर मैं ना डायरेक्टली इस फंक्शन में मैं अब एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड उसमें मैं एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ इस तरीके से बट अगर हम ये करते हैं तो गाइस ये लाइक हम कर ही नहीं सकते अब मेक श्योर sure करना आई I मीन mean, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आप देखो ये कंटिन्यूअसली आप लूप पे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो ये हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि बिना बटन क्लिक करे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल 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 होता रहेगा सो so, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको फैट एरो फंक्शन यूज करते हैं बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन मतलब यूजर जब इस बटन पे क्लिक करेगा तभी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है कॉल मी बैक फंक्शन कॉल मी बैक समझ रहे हो तो कभी भी अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एंड उसमें अगर आपको कुछ आर्गूमेंट पास करना हो देन ऑलवेज आपको ये वाला जो सिंटेक्स है कॉल बैक वाला ये आपको यूज करना है अगर आप कुछ भी पास नहीं करते देन आप डायरेक्टली इसकी नीड नहीं जो हम नॉर्मली कर रहे थे वही आपको करना है अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा देखो नहीं होगा कुछ भी मैं दिखाता हूँ मैंगो एप्पल अब मैं सपोज एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो है ना अब ये मैंने पास कर दी अब मैं वापस यहाँ चलूँगा एंड मैं वापस इसको भी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ एंड बाय द वे वैल्यू मुझे डायरेक्टली लिख नहीं सकता मुझे पहले उसको यहाँ पे इम्पोर्ट आई मीन गेट करना पड़ेगा ये बेसिकली अब आपका एक पैरामीटर है दिस इज़ योर आर्गूमेंट दिस इज योर पैरामीटर जो भी मैं वहाँ पे पास कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे गेट कर दी एंड मैं कंसोल कर रहा हूँ ठीक है अब मैं वापस एप्पल पे क्लिक करूँगा एंड दिस इज इट बात ही खत्म बात इधर ही खत्म गाइस दिस इज माय एक्चुअल एरे एंड ये वो वैल्यू है यूजर ने जिस पे क्लिक किया था तो अब कितना इजी है कि एक एरे में से आप एक वैल्यू कैसे डिलीट करोगे बताओ कमेंट आई मीन अभी वीडियो पॉज करो खुद से मुझे बताओगे सब मैं नहीं मैं नहीं जानता अभी यहाँ पे ये यह आपको करना होगा मैंने यहाँ पे एरे में बहुत इजीली बताया था देखो सिंपल है बहुत ईजी है कॉन्स्ट अप डे टास्क इक्वल टू तो, ठीक है ये टास्क हमारा एक एरे है इसमें वी हैव अब फिल्टर मेथड है ना जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एंड उसमें भी आपका रहेगा ये सिंपल इस तरीके से आपका करेंट एलिमेंट या करेंट टास्क पकड़ लो एंड यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स की नीड नहीं हमें बस मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिटर्न uh, आप लिख भी सकते हो आई गेस एक लाइन का कोड है ना जब आई I मीन mean, जब भी आप फैट एर फंक्शन यूज़ करते हो एंड अगर एक लाइन का कोड हो तो फिर उतना लंबा लिखने की नीड नहीं है मुझे बस फिल्टर मेथड क्या रिटर्न करता है जो भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरा ये जो भी करेंट टास्क है करेंट टास्क मतलब इधर वो मैंगो होगा या तो एप्पल होगा फिलहाल अभी दो ही है उसमें से ये जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे यहां रखना है तो अब आप मुझे बताओ यहां पे आप क्या करोगे फिल्टर मेथड आपका कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है जो इससे मैच करता है वो वैल्यू यहां पे रिटर्न करता है मुझे क्या चाहिए कि ये जो वैल्यू है एंड ये जो करेंट टास्क है दोनों सेम नहीं होने चाहिए राइट अगर दोनों सेम हो गए तो मुझे सिर्फ वो डेटा ये रिटर्न कर देगा जो सेम है मैं आपको बताता तो हूँ क्या बोल रहा हूँ ट्रिपल इक्वल टू अगर ये मैं करता हूं एंड यहाँ पे यह जो मेरा सेट अपडेटेड फंक्शन है सेट टास्क यहाँ पे जाके ये जो अपडेटेड टास्क है उसको मैंने पास कर दिया ठीक है बस बात ख़त्म इतने ही करना था मैं यहाँ पे और लिखूंगा ओरेंज ग्रेप्स uh, ध्यान से देखना द मोमेंट मैं वापस से एप्पल को क्लिक करूंगा उल्टा हो जाएगा एंड बूम गाइस सी देखा क्या हुआ आई I मीन mean, मैंने किया था एप्पल को डिलीट करने के लिए क्लिक बट एप्पल रह गया एंड बाकी सारे डिलीट हो गए क्यों बिकॉज ऑफ दिस पार्ट मैंने ये कहा ना फिल्टर मेथड जो कंडीशन ट्रू होता है सिर्फ वही रिटर्न करता है एंड हमारे इस केस में इतने सारे एलिमेंट थे मैंने एप्पल को क्लिक किया था तो वो मुझे मिल गया बट इसका अपोजिट मुझे चाहिए राइट तो मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करो जो हमारे वैल्यू से मैच नहीं करते मुझे वो एलिमेंट आप रिटर्न कर दो जो मेरे वैल्यू से मैच नहीं करते इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वैल्यू आई मीन जिसको भी हमने क्लिक किया था उसको छोड़ के बाकी सारे को वो एक न्यू एरे में ऐड कर देगा एंड वो न्यू एरे को मैंने सेट टास्क में ऐड कर दी एंड द मोमेंट उसको ऐड की तो ये जो मेरा टास्क था ये अपडेट हुआ एंड ये अपडेट हुआ इट मीन्स वापस से मेरा टू डू कंपोनेंट रि रेंडर हुआ री re रेंडर हुआ इट मीन्स वापस से मेरा ये जो फॉर्म वाला जो पार्ट था सॉरी नॉट फॉर्म ये जो मेरा यू आई वाला पार्ट है टू डू लिस्ट ये वापस से वहां पे चल गया एंड जब वो चला उस समय तो वो जो करेंट वैल्यू जिसपे हमने क्लिक की थी वो था ही नहीं इसलिए आपको लगेगा कि वो हमने डिलीट कर दी तो ये हम इस तरीके से दिखा रहे इल्यूजन की डिलीट हो गया वो ठीक है एंड यही तरीका है आप ई कॉमर्स पकड़ लो ई e कॉमर्स में भी जब आप एड टू कार्ड करके डिलीट करते हो वहां पे भी यही फिल्टर यूज होता है तो आपने देखा कहा कितना ऑसम awesome था ये वन मोर टाइम मैंगो एप्पल ऑरेंज एंड अब मैं एप्पल पे क्लिक करता हूं बूंगा इसी सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिलीट हो गया वहां से है ना कितना ज्यादा ऑसम ऑल आइट अब ये जो क्लियर ऑल बटन है बिलीव मी ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है सो हेयर वी हैव आवर यूएल वी हैव आवर सेक्शन एक सेकेंड आई मीन सेक्शन आप यहां पर ले लीजिए है ना एंड इसको कुछ क्लास नेम दिया है मैंने या हेयर वी हैव अ बटन परफेक्ट अब ये जो क्लियर बटन है यहां पे आपको क्या चाहिए होगा क्लियर ऑल है ना ये देखो ये आपको क्लियर ऑल का एक बटन मिल गया बस इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो फिलहाल कुछ नहीं होगा तो वही ये सेम चीज़ ऑन क्लिक जब भी इस पर करेगा कोई क्लिक विल बी इक्वल टू आपको एक मेथड को कॉल करना है एंड यहाँ पे दिस टाइम मुझे कोई पास करने की नहीं, नहीं क्योंकि मुझे सभी को एम्प्टी कर देना है इंडिया तो बहुत इजी है इफ़ यू रिम्बर ये देखिए इस तरीके से हम कुछ कर रहे थे याद है जो डेटा वहाँ पे है जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ लिखता है इस जगह पे उसको डिलीट करने के लिए मैंने इस तरीके से एक एम टी पास कर दी थी तो अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है जहाँ पर हैंडल आ, बटन ठीक है चलो आप यहाँ पे इस ये भी लिख सकते हो हैंडल क्लियर टू डू लिखा था कि मैंने क्लियर टू डू डेटा लिखा है चलो हैंडल क्लियर टू डू डेटा फंक्शन फंक्शनैलिटी आप लिख दीजिए इस तरीके से है ना क्योंकि ये जरूरी भी है अब बिलीव बिलीप गाइस ये तो बहुत ईजी इस पर मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा हमारा ये जो से आ, देखो ना आप जब मैं ये कॉल कर रहा था तब ये वापस कॉल हुआ अब वापस इसी को ही कॉल करूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं एम्प्टी कर दूंगा खत्म इतना ही करना है कि मेरा जो एक्चुअल सेट टास्क अपडेटेड फंक्शन है इसमें मैं जो भी वैल्यू एड करता हूँ वो मेरा जो टास्क वाला जो भी मेरा स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वो अपडेट करता था तो अब अगर मैंने सेट टास्क को ही बोल दिया भाई एम्प्टी तो मेरा ये जो टास्क है ये भी एम हो गया सिंपल राइट एंड सिर्फ एम ना रख के आप एक एम टी एरे रख दीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम एरे के साथ डील कर रहे हैं ठीक है तो मैं लिखता हूँ एप्पल ऑरेंज ठीक है एंड मुझे आप लोग सॉरी यार ये मैं मेरे को यहाँ पे लिखना था ऑलराइट परफेक्ट क्लीन देखो क्लियर हो गया है ना कितना ज़्यादा ऑसम वो यहाँ पे नहीं वो यहाँ पे होना चाहिए था अरे यार कुछ भी लिख दो ठीक है इस तरीके से लिखा मैंने हटाओ 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 एंड क्लियर ऑल कर दो सब चला जाएगा तो ये कैसा लगा आपको था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम awesome, कोई एरर नहीं कुछ नहीं सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही अब कल का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्यों क्योंकि कल मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कैसे होने वाला क्योंकि ये ये जब मैं कर बताऊंगा ना आपको फिर से हम पूरा रीराइट करने वाले पूरा पूरा मतलब आप समझ लो जो जो मेजर पार्ट है उसको हम वापस से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं समझ रहे हो तब आपको लगेगा अरे बाप रे फिर से लेकिन वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले डिफरेंट तरीके करने को तभी तो आपको लगेगा यार हर कोई खाली टूडू बता रहा है लेकिन मैं अगर टूडू बता रहा हूँ तो उसके पीछे क्या ऐसा एक्स्ट्रा है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जो बाकी जगह आपको नहीं मिल रहा है राइट तो कल का वीडियो तो वो नहीं होने वाला है लेकिन कल का वीडियो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ मैं आपको सप्रेशन ऑफ कंसर्न जो एक मुद्दा उठाया गया था इवन वर्जन नाइनटीन में भी आपको बताया गया था है ना तो वो मैं आज आपको आई I मीन mean, कल की वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अभी हमारा ये जो कोड है नो डाउट इट्स परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत नीट एंड क्लीन बना सकता हूँ आई मीन रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट योर कंपोनेंट लेकिन आ, हम हर एक चीज़ यहीं पर ही कर रहे हैं तो कल के वीडियो में गाइस ये जो इतना सारा कोड आपको दिख रहा है ये इतू सा हो जाएगा क्योंकि मैं हर एक फॉर्म का अलग कंपोनेंट टू डू लिस्ट का अलग कंपोनेंट ये हमारा डेट एंड टाइम का अलग कंपोनेंट मतलब हर एक का अलग कंपोनेंट कल के वीडियो में मैं करके वापस से कोड वापस चेंज होने वाला है बहुत सारी चीज़ें जो कल के दिन चेंज होने वाली है ठीक है सो so, मैं आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है एक खुद का टू डू लिस्ट बनाना है ना लाइक like, वो भी रिएक्ट में बहुत मजा आएगा क्योंकि एक बार आपने बना लिया देन आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए मतलब आप समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ें एंड लास्ट में तुम्हें होस्ट करके बताऊंगा तब तो आप एवरीडे अपने मोबाइल से भी इसको यूज़ कर सकते हो सो so, गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बाकी के जो प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट के उनको भी जरूर चेक कीजिएगा आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आपका जो भी मर्जी जहाँ भी है ना एंड इट जस्ट द बिगिनिंग मैं अभी भी बोल रहा हूँ आगे बहुत कुछ बाकी है तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आपका एक सब्सक्राइब मेरे बहुत मैटर करता तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा नेक्स्ट टारगेट इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में टिल देंगे गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर